हेलो दोस्तों, आज हम हाजिर हैं फिर लेकर के फिजिक्स जो हम पढ़ रहे थे उसका नया टॉपिक, नया चैप्टर्स, ठीक है, जिससे हम आगे की तरफ स्टडी कर सकें। ठीक है, रेगुलर नए नए टॉपिक आपके पास आ रहे हैं, नए नए कंसेप्ट के थ्रू आ रहे हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ सवाल लगाएंगे दर्पण से। दर्पण का हमने सारा टॉपिक फिनिश कर दिया था। दर्पण से संबंधित जो भी सवाल है हमारे पास में, वो हम लगाएंगे आपके पास में। कुछ सवाल आज लगाएंगे, कुछ कल लगाएंगे, इस तरीके से धीरे धीरे करके दर्पण जो है फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। अब हमारे पास जो दर्पण का जो पहला सवाल है वो एग्जाम्पल है, उदाहरण है। उदाहरण दर्पण का वन है आपके पास में, आपके पास में बीच में उदाहरण दिया होगा, आप देख लीजिएगा। दर्पण के जो पहले उदाहरण है उसमें से पहला उदाहरण यह है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए। ऑटोमोबाइल्स का मतलब होता है गाड़ियां, ऑटोमोबाइल्स का क्या मतलब है, गाड़ियां, ठीक है। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे, ऑटोमोबाइल का मतलब होता है गाड़ी, फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स, जो भी आपके पास में जो भी व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, उन्हीं को हम ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। ऑटोमोबाइल्स का मतलब मोबाइल्स नहीं हुआ बेटा, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स का मतलब गाड़ियां की बात कर रहा है। किसी ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ी, गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए, ठीक है। जब ड्राइवर आगे चलाता है गाड़ी तो वो आगे देखता है, और पीछे का देखने के लिए वो बगल में एक मिरर लगा के रखता है, मतलब दर्पण लगा के रखता है। दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 3.00 मीटर, ठीक है, यानी 3 मीटर है वक्रता त्रिज्या आपके पास में, 3 मीटर है। तो वक्रता त्रिज्या दर्पण कैसा है, उत्तल है बेटा, उत्तल दर्पण, ये लिख दिया आपने। फिर आर, वक्रता त्रिज्या आर, आर की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर है। तो एफ कितना निकल के आएगा, एफ बराबर क्या होता है, r/2, और f बराबर अगर r/2 है तो इसका फोकस चिन्ह के साथ रखेंगे, उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो होता है धनात्मक, इसका मतलब ये लिखा जाएगा 3/2 मीटर। आगे, यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, एक बस स्थित है, ठीक है, इसका मतलब बस दर्पण में दिखेगी, बस जो है दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो बस हो गया वस्तु जो कि 5 मीटर दूरी पर स्थित है। तो वस्तु की दूरी कितनी हो गई, बस की दूरी मतलब वस्तु की दूरी u बराबर 5 मीटर। तो यहाँ पास जो है वो माइनस का u होगा, माइनस का चिन्ह लेके चलेंगे जो आपके पास में, u बराबर -5 मीटर, ठीक है। आगे की तरफ, दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है बेटा कहाँ बन रही है, प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति किस प्रकार की बन रही है तथा साइज ज्ञात कीजिए। तीनों चीज जो मैं आपको पढ़ाते समय आपको बताता था कि भाई ये तीन इसके गुण है, वही गुण आपको पूछा गया। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कहाँ बन रही है, तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब कहाँ बन रही है, प्रतिबिंब की दूरी याद कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दूसरा, प्रकृति क्या है आपके पास में, आपको पता है दर्पण उत्तल है, दर्पण क्या है, उत्तल है, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है आपके पास में, आभासी और वास्तविक, सॉरी आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। साइज क्या है, वस्तु से छोटी होगी आपके पास में। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा आपके पास में, ध्रुव और आपके पास फोकस के बीच में बनेगा। लेकिन जब यहाँ वर्ड में बात हो, नंबर्स में बात हो रही है, तो नंबर्स में आप स्थिति बताएंगे, ठीक है। तो वी पता है, यू पता है, एफ पता है, तो हमारे पास दर्पण का जो फार्मूला है, दर्पण का फार्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। ये 1/f, f की वैल्यू कितनी है, 3/2। 1/v + 1/u 5, क्या है हमारे पास, समझिएगा, 2/3। ठीक है, अब 3 और 5 का एलसीएम लिया, 15 आया, और 3 का डिवाइड किया 5 टाइम्स, गया आपके पास में 10 प्लस, ये कितनी बार गया आपके पास में, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स जाएगा 3, तो हो गया आपके पास 13/15। वी की वैल्यू आपके पास में 15/13 मीटर।
वस्तु प्रतिबिंब की जो स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति ठीक है आपके, प्रतिबिंब जो है दर्पण से 15x13 मीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, पहला प्रकृति क्या आपके पास में, प्रकृति है क्या आपके पास, प्रकृति क्या आपके पास में, प्रकृति जो है आभासी एवं सीधा, जो अब इसके आगे आपको बताना है, जो आपको बताना है वो है साइज, साइज निकालने के लिए। तो साइज निकालने के लिए हमेशा जब भी आपके पास प्रतिबिंब का साइज, वस्तु का साइज आपको निकालना है, तो आपके पास एक और फार्मूला है, वो है आपके पास में रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन ठीक है, देखिए बेटा अगर मुझे जगह नहीं मिलेगी तो इस बोर्ड को मैं हटा भी सकता हूं आपके पास में। ठीक, तो रेखीय आवर्धन क्या कहता है, ठीक है यहां पर पता क्या आपके पास में, देखिए पता आपके पास कुछ नहीं है, ना वस्तु की ऊंचाई पता है, क्योंकि जब वस्तु की ऊंचाई पता होगा, जब आपके पता होगा तभी आप प्रतिबिंब की ऊंचाई बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास वस्तु की ऊंचाई नहीं पता है, ये सवाल ध्यान रखिएगा कभी कभी पूछा जाता है, अगर वस्तु की ऊंचाई नहीं पता है और प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछा है, तो आप हमेशा वस्तु की, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के संदर्भ में ही बताएंगे। कैसे बताएंगे समझिएगा, जैसे मुझे पता रेखीय आवर्धन HI/HO = -KV/U, ये रेखीय आवर्धन में एक फार्मूला ये भी बताया था मैंने, ना एच आई पता है मुझे, ना एच ओ पता है, माइनस वी अभी निकाल लिया है हमने, ठीक है वी अभी निकाला हमें, वी की वैल्यू है 15x13 और यू की वैल्यू है माइनस का 5, कुछ नहीं है तो 1 रख लीजिए, माइनस से माइनस खत्म। ठीक है, तो एच आई जो निकल के आया वो कितना निकल के आएगा आपके पास, वो समझिएगा 15/13×5, ये हुआ 3, तो 3/5 एच की वैल्यू आ जाएगी 3/13 एच ओ, ये मिलेगा आपके पास में, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के रिस्पेक्ट में। ठीक है आपके पास में, इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब का जो साइज है वस्तु का 3/13 गुना है, वस्तु का 3/13, प्रतिबिंब की ऊंचाई बताना है तो वस्तु के संदर्भ में भी बताना पड़ेगा। जब भी सवाल आता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बताइए और लेकिन वस्तु की ऊंचाई ना दिया गया हो, तो आप वस्तु के संदर्भ में ही बताएंगे, ये सवाल पूछा जा सकता है आपके पास में। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वस्तु की वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की 13/3/13 गुना है। ठीक है, इसे आप डेसिमल में लेके जाएंगे, मतलब दशमलव में ले जाएंगे, तो 0.2 समथिंग कुछ आ गया आपके पास में, तो उसमें आप दशमलव भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद फिर तीनों पॉइंट, लास्ट में तीनों पॉइंट हमेशा लिखते हैं आपके पास में। पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा। चलिए दोस्तों अगला उदाहरण देखते हैं, क्या है अगला उदाहरण समझते हैं। अगला उदाहरण हमसे कह रहा है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, बिंब मतलब होता है वस्तु, बिंब का मतलब है वस्तु। ठीक है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, दर्पण कैसा है आपके पास में, दर्पण है आपके पास में अवतल, अवतल दर्पण।
ठीक है, दर्पण तो आपने पता कर लिया, उसके बाद फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तो एफ की वैल्यू हो गई, क्योंकि अवतल दर्पण में आप आपके पास चिन्ह परिपाटी देखें, मैंने जो टेबल बनवाई थी, चिन्ह परिपाटी में अवतल दर्पण का जो चिन्ह होता है आपके पास फोकस का, वो होता है ऋणात्मक। तो इसका मतलब हम 15 सेंटीमीटर जब लेंगे तो माइनस का 15 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है आपके पास में। ये कैलकुलेशन के समय आप चिन्ह लेते हैं। दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, कौन रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ठीक है आपके पास में। वस्तु यानी बिंब जो है वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, मतलब वस्तु की दूरी u बराबर माइनस, वस्तु की दूरी भी आपके पास माइनस में लिखी जाती है, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर ठीक है आपके पास में रखा जाए। कह रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे, समझिएगा किसी पर्दे को रखा जाए, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए। जब भी पर्दे का सवाल आए, पर्दे को कितनी दूरी पर रखा है, इसका मतलब वो प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, समझ में आती है। पर्दे की दूरी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, ध्यान रखिएगा इस बात को समझिएगा। जब भी पर्दे का सवाल आए कि पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए, तो आप ये समझ के चलिएगा कि वो प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, ठीक है ध्यान रखिएगा। पर्दे की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, मैं लिख दे रहा हूं और ये हमेशा याद रखिएगा, प्रतिबिंब की दूरी तो v बराबर नहीं पता आपके पास में। अब वस्तु की जो ऊंचाई है ho वो 4 सेंटीमीटर पॉजिटिव मिली जाती है, 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कह रहा है आगे, प्रतिबिंब की प्रकृति पहला क्वेश्चन, दो पर्दे की दूरी बताना है मतलब v बताना है, प्रकृति बताना है, फिर साइज ज्ञात करना है, प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है। तो हमारे पास समझिएगा सवाल, 1 बाई एफ बेटा फार्मूला, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस का 1 बाई यू। 1 बाई एफ, एफ की वैल्यू माइनस का 15, वी की वैल्यू नहीं पता 25, ठीक है। तो कैलकुलेशन से माइनस इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा आपके पास में। तो कैलकुलेशन से अगर किया जाए तो क्या मिलेगा, देखिए मैं इसका कैलकुलेशन यहां लिख रहा हूं, ठीक है इस बॉक्स के अंदर। तो क्या मिलेगा आपके पास में, लासा लिया 15 और 25 का जो लासा आया आपके पास में 75, 25 ते 75 3 बचा, 15 पचे 75 5 बचा, ठीक है ये आपके पास कट करके माइनस को 2 बचेगा। तो इसका मतलब v का क्रॉस मल्टीप्लाई करके 75/2 माइनस में आएगा, ठीक है ये हो गया आपके पास में v, मतलब प्रतिबिंब की दूरी आपके पास। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन की अगर बात करें तो रेखीय आवर्धन का मतलब क्या, हमारे पास में एच आई अपान एच ओ इज इक्वल टू माइनस का वी अपान यू, एच आई अपान एच ओ इज इक्वल टू माइनस का वी अपान यू। एच आई प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच ओ वस्तु की ऊंचाई 4, वी की वैल्यू आपको पता चल चुके माइनस का ये आएगा, U की वैल्यू कितनी है माइनस का 25, ठीक है कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, ये माइनस है ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो एच आई अपान 4 इज इक्वल टू 75/2 गुणे 1/25, ठीक है ये खत्म 3 बार में, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो 2 × 2 = 4 ये खत्म। तो एच आई क्रॉस करके कितना हुआ, 4 उधर जाएगा खत्म हो जाएगा, माइनस का 6 मिल रहा है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो 6 सेंटीमीटर की बन रही है आपके पास में। तो अब प्रतिबिंब यानी पर्दा दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, कहां पर प्रतिबिंब बन रहा था,
75/2 माइनस आप नहीं, जब आप सवाल वैल्यू बताएंगे स्थिति लैंग्वेज में तो वहां ऋणात्मक चिन्ह हटा देंगे, ठीक है। ऋणात्मक चिन्ह यानी चिन्ह जो परिपाटी है वो केवल सवाल को सॉल्व करने में की जाती है, बाकी जब आप फाइनल आंसर बताते हैं कैलकुलेशन के बाद में तो आप उसके चिन्ह हटा करके बताते हैं। पर्दा जो है दर्पण से 75/2 सेंटीमीटर पर, ठीक है, इसको हम लिख से कह सकते हैं, आपके पास डिवाइड कर लीजिएगा आपके पास में, ठीक है, 37.5 सेंटीमीटर पर रखते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब के लिए। दूसरा, पर्दा दर्पण से 75/2 सेंटीमीटर 37.5 सेंटीमीटर पर रखते हैं। प्रकृति जो है, ठीक है, प्रकृति की अगर बात करें तो कैसा हमारे पास में, ठीक है, प्रकृति की यहां वस्तु जो है ध्यान से देखिएगा, प्रतिबिंब ऋणात्मक चिन्ह के साथ है और प्रतिबिंब की दूरी जो है वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ है, प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक चिन्ह के साथ है। प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक कब होती है? जब मुख्य अक्ष से नीचे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, मुख्य अक्ष से नीचे प्रतिबिंब बनता है तो वो होता है ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो उस केस में मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वो वास्तविक और उल्टा होगा। तो इसका मतलब ये आपके पास में प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। चौथा, तीसरा हमारे पास में अगर देखा जाए, तीसरा क्या है हमारे पास में, तीसरे की अगर बात करें तो हमसे पूछा गया है साइज ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, माइनस चिन्ह हटा करके बताएंगे, ठीक, किसी की ऊंचाई दूरी ये ऋणात्मक में नहीं मेजर की जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया सवाल, दूसरा एग्जांपल, ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बेटा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिबिंब की दूरी, ये मतलब एग्जांपल खत्म हो गया आपके पास दर्पण का। अब एग्जांपल के बाद जो बुक में जो दो सवाल है आपके पास में एग्जांपल के बगल में ही, तो वो सवाल ये है आपके पास में, ठीक है। कह रहा उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसके वक्ता त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले वाले का आपके पास में कौन सा दर्पण है, उत्तल है, और वक्ता त्रिज्या कितना है, 32 है। तो वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में जो संबंध है एफ बराबर आर बाई टू है, एफ बराबर आर बाई टू है। तो एफ की वैल्यू आपके पास में निकालना है फोकस दूरी, तो आर कितना है, 32, 32 का आधा कर दीजिए, 32 का आधा करेंगे तो कितना हुआ, 16, ठीक है, 32 का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, 16, तो 16 सेंटीमीटर। तो इसका आपके पास हो जाएगा फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर बेटा, ठीक है। हम दूसरा सवाल करते हैं, ये ओरली आपका हो गया आपके पास में, ठीक है। तो दूसरा सवाल इसका क्या आपके पास में, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये सवाल है आपके पास में प्रश्न, प्रश्न के रूप में, ठीक है। कोई अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। अब सारी कहानी अवतल दर्पण से ही चलेगी। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना, ठीक है, आवर्धित यानी बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, ठीक है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का 3 गुना, यानी जो रखा हुआ है वो क्या रखा हुआ है, बिंब रखा हुआ है। तो यू की वैल्यू हो गई बेटा माइनस का 10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी यानी बिंब की दूरी माइनस का 10 सेंटीमीटर हो गई, रखे बिंब का 3 गुना, दर्पण जो है बिंब का 3 गुना, बिंब का 3 गुना यानी आपके पास में बिंब से बड़ा प्रतिबिंब, वो भी कितना बड़ा, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब। तो आपके पास बिंब का, बिंब क्या आपके पास में, समझिएगा बिंब जो है आपके पास में एचओ है, वस्तु जो है वो एचओ है, तो आपके पास में प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई,
प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसे हम एच आई कहेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच आई, बिंब का तीन गुना, तो बिंब का तीन गुना, इसका तीन गुना, तो इसका तीन गुना हो गया आपके पास में, तीन गुना कर दीजिए एच ओ, लेकिन तीन गुना कर दिया, लेकिन साथ में कितना है वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक अगर बन रहा है तो एच आई प्रतिबिंब की जो चिन्ह होगा, प्रतिबिंब का चिन्ह होगा वो कितना होगा, कैसा होगा, तो वास्तविक के लिए प्रतिबिंब का चिन्ह होता है माइनस, लगा दिया। फिर आगे प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है, वी पूछा गया आपके पास में, क्या पूछा गया है, वी पूछा गया आपके पास में, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है आपके पास, तो प्रतिबिंब की दूरी ये नहीं पता आपके पास, वी नहीं पता, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन, जब भी ऊंचाई और दूरी का कंसेप्ट आए तो रेखीय आवर्धन ही लगेगा, वो भी दर्पण का दर्पण में दर्पण का रेखीय आवर्धन, दर्पण का दर्पण में रेखीय, एच आई अपान एच ओ इज इक्वल टू बेटा माइनस का वी अपान यू, एच आई माइनस का थ्री एच ओ, और एच ओ का एच ओ रहेगा ही नहीं दिया गया, माइनस का वी, वी की वैल्यू कितनी है नहीं पता, यू की वैल्यू कितनी है 10 है, कैलकुलेशन के बाद एचओ से एचओ खत्म, ठीक है, माइनस से माइनस खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी की वैल्यू आएगी बेटा माइनस का 30, ठीक है। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है दर्पण से, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी हो जाएगी बेटा 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूं मैं, अच्छे तरीके से, जिससे आपको बहुत सरल तरीके से समझ में आए और फिजिक्स के सवाल करने में आपको तकलीफ ना हो, आगे भी इस तरीके से चलते रहेंगे, पॉज द वीडियो नोट डाउन। लेकिन मेरा एक आपसे हमेशा गुजारिश रहेगी, कभी भी आप सुनिए, मेरा बस यही है कि आप अगर मुझे प्रेरित करना चाहते हैं, अगर आप मुझे क्या नाम है एनर्जी देना चाहते हैं, एनर्जी के रूप में केवल मैं आपसे बस यही चीज चाहूंगा कि अगर आप मुझे बहुत ज्यादा उत्साहित तरीके से पढ़ाने का मौका दे रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, दोस्तों से कहिए वो भी क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बस इतना ही आपसे गुजारिश है और कुछ नहीं, मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी किताब आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ के थ्रू, ठीक है। बस आपका काम है सब्सक्राइब करना, शेयर करना है और क्लास को रेगुलर अटेंड करते रहना है, ठीक है। चलते हैं, कल मिलते हैं बेटा।